हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे शिडी चैनल सिविल बीट्स में, जहाँ पर हम शिडी करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। उसी के अंदर हमने एक सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, जिसका आपको पता था कि दो पार्ट्स में आपका ये सब्जेक्ट होता है, मैकेनिकल एंड सिविल वाला पोर्सन। जो सिविल वाला पोर्सन है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और आज हम जो इसका लास्ट टॉपिक है वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। अभी तक हमने यहाँ पे कॉन्क्रीट की बात कर ली थी कि कॉन्क्रीट कैसे बनती है, कैसे कौन कौन सी ग्रेड कॉन्क्रीट के अंदर होती है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक है आज ये, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कॉन्क्रीट की बात हमने वहां पे की थी, कॉन्क्रीट हमने पढ़ लिया था कि कॉन्क्रीट हमारा मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम चार इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। चार चीजों को ऐड करके हम अपना जो क्या बनाते हैं, कॉन्क्रीट बनाते हैं। अब कॉन्क्रीट के अंदर क्या था यहाँ पे कि कॉन्क्रीट जो होती है हमारी, अगर उसमें हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी होती है, कंप्रेसिव फोर्स के स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव लोड के अंडर। लेकिन अगर हम उस पर टेंसाइल फोर्स वहां पे लगा रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। कॉन्क्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, लगभग उसको हम जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखा, कॉन्क्रीट हैज ए गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट इट इज वेरी वीक इन टेंशन जोन। कि जो कॉन्क्रीट होती है हमारी कंप्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर टेंसाइल फोर्स वहां पे आ रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ही वीक होती है। और कंप्रेसिव स्ट्रक्चर इट कैन बी यूज इजली, अगर हमें कंप्रेसिव स्ट्रक्चर बनानी है तो उसमें हम जो कंक्रीट था उसका डायरेक्टली यूज कर सकते थे, है ना। सिर्फ हमें क्या बनाना है, जिसके ऊपर हमारा सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स या संपीड़ित बल काम कर रहा है। कंप्रेसिव फोर्स कौन सा होता है, जो किसी चीज को, जो उसका साइज है उसको घटाने की कोशिश करता है। कैसे, मान ले आपकी कोई स्ट्रक्चर है, इस पे दोनों फोर्स क्या है, इस तरीके से लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सा फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स है यहाँ पे। तो अगर कंप्रेसिव फोर्स वाली स्ट्रक्चर हुई, जैसे आपका कॉलम होता है, तो कॉलम अगर हमें बनाना कंक्रीट का हम उसे बना सकते हैं, अगर ज्यादा लोड उसके ऊपर नहीं आता, ठीक है, नॉर्मल सा। लेकिन अगर क्या है कि उसके ऊपर अगर हमारा टेंसाइल फोर्स आता है तो क्या करना पड़ेगा हमें, एज वी नो दैट स्टील हैज नियरली इक्वल कंप्रेसिव एंड एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। कि जो हमारी स्टील होती है, स्टील के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और साथ ही टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों क्या होती है, सेम होती है। कंक्रीट के अंदर तो सिर्फ क्या थी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके अंदर जीरो थी। लेकिन जो हमारी क्या है, स्टील, स्टील के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होती है और साथ में ही टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील कैन बी यूज, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन है कॉन्क्रीट और स्टील का कॉम्बिनेशन, दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट हमने वहां पे बना दिया, विच इज नोन एज रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, जिसको हम रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के नाम से जानते हैं, या हिंदी के अंदर बोलते हैं परबलिस सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी आरसीसी, और फॉर्म में इसको आरसीसी बोलते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। तो जब हमने क्या किया, कॉन्क्रीट के अंदर स्टील बार्स यहाँ पे डाल दी, तो उसको क्या बोला हमने, आरसीसी बोल दिया। क्यों डाल लिया स्टील बार्स, क्योंकि इसकी जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो कम थी कॉन्क्रीट की, तो इसलिए हमने इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ाने के लिए इसके अंदर स्टील बार्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आरसीसी, कि आरसीसी की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो मेन प्रॉपर्टी कौन सी आरसीसी की, एक्सपेंशन कोफिशियंट ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज सेम। जो एक्सपेंशन कोफिशियंट होता है, एक्सपेंशन कोफिशियंट होता है कि जब हम टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होता है, उसकी जो लेंथ है या उसका वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका लेंथ या वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। तो जो हमारी कॉन्क्रीट होती है और जो स्टील होती है, दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट, हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रसार गुणांक, तो प्रसार गुणांक क्या होता है इनका, हमारा सेम होता है, स्टील का भी और कॉन्क्रीट का भी। तो इसलिए हम दोनों को उनका यूज कर लेते हैं, जिससे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों के दोनों एक साथ इंक्रीज हो। अगर ऐसा हो कि कॉन्क्रीट का हमारा जो कोफिशियंट है, एक्सपेंशन कोफिशियंट, वो कम है, मतलब वो कम एक्सपेंड हो रही है और स्टील ज्यादा एक्सपेंड हो रही है, तो स्टील क्या होगी, उसके अंदर से बाहर निकल जाएगी वहां पे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टील बाहर निकल जाएगी उससे। तो इसलिए क्या है कि इनका दोनों का कोफिशियंट सेम होता है, इसलिए भी हम इनका यूज करते हैं दोनों का, ठीक है। आफ्टर कम्प्लीटली सेट ऑफ कॉन्क्रीट इट मेक ए गुड बॉन्ड बिटवीन देम। जब कॉन्क्रीट हमारी सेट हो जाती है तो उसके क्या होता है, उसके अंदर हमारा एक बॉन्ड बन जाता है स्टील और कॉन्क्रीट के बीच में, मतलब वो अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं, वो इजिली अगर हम उसे रिमूव करना चाहें, अगर हम उसके अंदर से स्टील बार को निकालना चाहें तो हम इजिली उसको नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसके अंदर हमारा क्या होता है, एक परफेक्ट बॉन्ड बन जाता है, अच्छा बंध बन जाता है उसके अंदर। कंक्रीट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रोजन। अब दूसरा मेन क्या है कि स्टील के जो हमने बार्स यूज की उसके साथ में जो कॉन्क्रीट यूज की, तो कॉन्क्रीट जो है वो क्या कर रही है साथ के साथ ही, कि हमारी जो स्टील बार्स है उसके अंदर उसे कोरोजन से भी बचा रही है, मतलब उसके अंदर जंग लगने से भी बचाती है।
अगर स्टील को आपने ऐसे इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर जंग लग जाता है वहां पे, ठीक है। क्या होता है वहां पे, जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है। तो उसे भी हटाने के लिए या उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट का यूज करते हैं। वो क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है वहां पे। अब आरसीसी के लाभ क्या क्या होते हैं, है ना। अब आरसीसी को हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आरसीसी यूज हम क्यों कर रहे हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले आता है इट इज मोर ड्यूरेबल। इसका मतलब क्या है कि ये लंबे टाइम तक टिक जाती है। मतलब कि अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर आरसीसी बनाई तो वो बहुत टाइम तक क्या होगी, जैसी बनाई थी ऐसी ही बनी रहती है। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस उसके अंदर हमें करना होता है, ठीक है। इट इज वाटर टाइट एंड फायर प्रूफ। जो कॉन्क्रीट होती है या आरसीसी होती है वो क्या होती है, वाटर टाइट भी होती है। वाटर टाइट मतलब उसके अंदर से पानी एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकता, ठीक है, पानी उसके अंदर से लीक नहीं हो सकता। दूसरा ये क्या होती है, फायर प्रूफ होती है, इसके अंदर आग भी नहीं लगती। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, कि जो अब हमने एक बार स्ट्रक्चर बना दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका थोड़े थोड़े टाइम बाद उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मतलब कहीं पे क्रैक्स आ गए तो क्रैक्स को फिल कर लेना है, कहीं से प्लास्टर उतर गया तो प्लास्टर आपने वहां पे लगा दिया, ये सब क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। तो इसका जो हमारा आरसीसी है, इसका मेंटेनेंस हमें ज्यादा नहीं करना पड़ता। अगर एक आप बार आपने इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया तो क्या होगा, बहुत टाइम तक वो चल जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, मतलब इसमें जो खर्च आता है, जो लागत आती है मेंटेनेंस के लिए, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इट कैन बी इजिली प्रिपेयर एट एनी प्लेस। जैसे कि आपको पता है कि आरसीसी को हम किसी भी प्लेस पे आसानी से बना सकते हैं, है ना। किसी भी जगह अगर आपको साइट चल रही है तो वहां पे आप इजिली इसको बना लेते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। सिर्फ आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा। अगर छोटी प्रोजेक्ट आपको बनाना तो हैंड मिक्स भी से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई स्पेशल मशीन नहीं चाहती इसको बनाने के लिए, हम साइट पर इसको इजिली बना लेते हैं। नो स्किल लेबर इज रिक्वायर्ड। जब हमें आरसीसी की स्ट्रक्चर बनाते हैं या कॉन्क्रीट बनाते हैं तो उसके लिए ज्यादा ही स्किल्ड लेबर हमें नहीं चाहिए होती, है ना। स्किल्ड लेबर मतलब कि जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाली लेबर हो, उसकी हमें इसके अंदर जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सिंपली जो हमारी नॉर्मल लेबर है उसी से भी हम अपना काम करा लेते हैं, ठीक है। उससे भी अपनी आरसीसी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेनफोर्स्ड रोड्स, कि जो हम स्टील बार डाल रहे हैं कॉन्क्रीट के अंदर, जो स्टील बार डलती है वो किसके फॉर्म में डलती है, रोड्स की फॉर्म में डलती है। मतलब जो छड़ डलती है उसके अंदर स्टील की, उनको क्या बोलते हैं, हम रेनफोर्स रोड्स बोलते हैं, है ना। रेनफोर्स का मतलब होता है किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, उसको क्या बोलते हैं, हम रेनफोर्स बोलते हैं। तो ये क्या कर रही है, रोड्स क्या कर रही है, जो हमारी कॉन्क्रीट थी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, इसलिए हमने क्या बोला, उसको रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बोल दिया। तो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी प्रेजेंट इन रेनफोर्स बार, कि जो हम बार्स वहां पे यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन से टाइप के हम बार उसके अंदर यूज करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि आपने स्टील, कुछ भी आपने स्टील लिया उसको वहां पे यूज कर लिया डायरेक्टली, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, कि अगर वो प्रॉपर्टी स्टील के अंदर है तो तभी हम उसे वहां पे यूज करेंगे। सबसे पहले आता है सरफेस ऑफ रोड शुड नॉट बी स्मूथ, कि जो सरफेस है, जो स्टील बार है उसकी जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, देखा भी होगा आपने, जो स्टील बार्स आती है वो प्लेन ही आती है ना, उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से थ्रेडिंग सी बनी होती है कुछ इस तरीके से, क्यों बनी होती है, जिससे कि जब कंक्रीट के अंदर इसको डालेंगे तो उसका कंक्रीट के साथ में अच्छा बॉन्ड बन जाए। तो जो अगर हमारी प्लेन बार है जिसके अंदर वो कोई भी थ्रेडिंग वहां पे हमने नहीं की हुई है, वो क्या होती है, उसका हम वहां पे यूज नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका बॉन्ड अच्छा वहां पे नहीं बन पाता कॉन्क्रीट के साथ में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सरफेस है उसकी स्मूथ नहीं होनी चाहिए या प्लेन नहीं होनी चाहिए स्टील रोड की। नेक्स्ट आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड शुड बी सर्कुलर। जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो आपको बार लेनी है वो कौन सी लेनी है, सर्कुलर बार वहां पे लेनी है। क्यों क्यों लेनी है, क्योंकि इसके अंदर जो लोड लगेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर सर्कुलर के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस लगी तो इक्वली क्या होगी, चारों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पे रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल में देखो यहाँ से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ तक ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी, यहाँ पे और भी कम डिस्टेंस है। तो जो स्ट्रेस है हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही यहाँ पे, है ना। डिस्टेंस ज्यादा हो जा रही, कहीं पे कम हो जा रही, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो यहाँ पे ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि लेंथ हमारी कम आ रही। मतलब एक तरीके से समझो तो एक तरीके से लोड क्या होगा, सबसे ज्यादा जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहां पे ज्यादा लगेगा, फोर्स से जितने पास में होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, वहां पे सर्कुलर रोड जो सेक्शन है उन्हीं का ही वहां पे यूज करना होता है आरसीसी के अंदर। नेक्स्ट आता है रोड शुड बी फ्री फ्रॉम करोजन, है ना। मेन पॉइंट है कि जो रोड्स वहां पे यूज कर रहे हैं, जो स्टील बार आप वहां पे प्रोवाइड करा रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी करोजन वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होनी चाहिए, कोरोजन से फ्री होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर पहले से कोरोजन लगा होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वहां पे स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी जो स्ट्रक्चर है उसके फेल होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से आरसीसी स्ट्रक्चर हमारी फेल हो सकती है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में भी फेल्स बिकॉज ऑफ वन और मोर फॉलोइंग रीजन। तो जो आरसीसी की स्ट्रक्चर है उसके फेल होने का एक रीजन भी हो सकता है या एक से ज्यादा रीजन भी हो सकते हैं कि किस कारण वो विफल हो जा रही है या फेल हो जा रही है। तो कौन सा रीजन होता है, सबसे पहला आता है इफ प्रोड्यूस स्ट्रेस इज मोर देन लिमिटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लोड हमने इस पे लगाया है ना, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इस पे जो लोड लगाया, अगर वो लोड उसकी लिमिट से ज्यादा है, मान लिया हमने जो स्ट्रक्चर थी वो डिजाइन की थी 100 किलो न्यूटन के लिए और हमने क्या किया उसमें 150 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर अपने आप ही क्या हो जाएगी, वहां पे फेल हो जाएगी। तो उस लाइन का मतलब यही है कि अगर आपने जो लोड है वो उसकी जो लिमिट है उससे ज्यादा लगा दिया तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, वहां पे फेल हो जाती है। नेक्स्ट आता है इफ बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील रोड इज नॉट प्रॉपर, कि जो कॉन्क्रीट और स्टील रोड है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, कॉन्क्रीट के अंदर जो स्टील बार आपने प्रोवाइड कराई, तो जब वो क्या होगी आपस में चिपक जाती है, अगर वो पूरी तरीके से नहीं चिपक पाती है ना, उसके अंदर जो बॉन्ड है वो अच्छा नहीं बन पाता, तो क्या होगी हमारी स्ट्रक्चर वहां पे फेल हो सकती है, क्योंकि बॉन्ड अच्छी तरीके से नहीं बना तो क्या होगा उसके अंदर हमारा मॉइस्चर भी जा सकता है ना, तो उसके कारण क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर हमारी फेल हो सकती है। नेक्स्ट आता है इफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट गुड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मटेरियल हमने यूज किया आरसीसी बनाने के लिए, अगर मटेरियल के अंदर ही कोई हमारा फॉल्ट है ना, मटेरियल ही क्या है खराब है, तो स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, फेल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है ड्यू टू द केमिकल अटैक ऑन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसके ऊपर अगर कोई केमिकल अटैक वहां पे हो रहा है, केमिकल अटैक मतलब कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाई वहां पे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, ठीक है, हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा धुआं हो, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होगा, तो क्या करेगा धीरे धीरे जो हमारी स्ट्रक्चर है आरसीसी उसकी उसको खराब करना वहां पे शुरू कर देगा, ठीक है। तो केमिकल अटैक का मतलब ये होता है एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा होती है, वो होगी तो वो भी क्या करेगी, उसकी जो क्वालिटी है या स्ट्रेंथ है उसको इफेक्ट करेगी, वही क्या होता है आपका केमिकल अटैक होता है, जितना ज्यादा केमिकल अटैक होगा स्ट्रक्चर हमारी इतनी जल्दी खराब हो जाती है। नेक्स्ट आता है जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आरसीसी डिजाइन, कि अगर हम आरसीसी का डिजाइन कर रहे हैं, आरसीसी कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमें वहां पे ध्यान रखनी होगी है ना, या फिर क्या क्या चीजें हमें वहां पे चाहिए होगी तो अपनी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहला बात आती है हमारी क्वांटिटी ऑफ स्टील शुड बी प्रॉपर टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि जो हम स्टील उसके अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी क्वांटिटी प्रॉपर वहां पे होनी चाहिए जितने की हमें जरूरत थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि हमें पता था कि जो हमारी क्या होती है स्टील होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, तो जो हमारी स्ट्रक्चर है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जितनी स्टील चाहिए हमें उतनी वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि जितनी स्टील की रिक्वायरमेंट है उतनी स्टील वहां पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट शुड बी प्रॉपर टू अवॉइड द कंप्रेसिव फेलियर, हमें पता था कि जो कंक्रीट थी उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आता है ना, तो उसके अंदर कौन सा फेलियर आ सकता है, हमारा कंप्रेसिव फेलियर आ सकता है अगर हमने क्या किया उसके अंदर ज्यादा लोड वहां पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। लोड को डिस्ट्रीब्यूट किस पे हो रहा है, हमारा एरिया के ऊपर, कंक्रीट का जितना ज्यादा एरिया होगा, ये आपका कोई बीम है, ठीक है, एक तो बीम ये है, एक कोई बीम ये है छोटा बीम, तो हमें पता है अगर जो बीम का साइज बड़ा है या क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ना, तो उस पे क्या होगा, वो ज्यादा लोड को बियर कर सकता है, ये क्या होगा, ये कम लोड को बियर करेगा क्योंकि इसके अंदर एरिया कम है, छोटे वाला जो एरिया हमारा बीम है इसके अंदर क्या है, एरिया कम है, बड़े वाले के अंदर क्या है, एरिया ज्यादा है, तो एरिया हमारा जो बीम है उसका एरिया या साइज इतना बड़ा रखना है कि वो कंप्रेसिव फोर्स को भी आसानी से हमारा बियर कर ले है ना, कंप्रेशन के अंदर वो फेल ना हो। नेक्स्ट आता है एंकरेज शुड बी प्रॉपर, जो हमारी हमने क्या बनाया, जो आरसीसी की स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर जो स्टील हमने प्रोवाइड कराई और जो कंक्रीट हमने वहां पर प्रोवाइड कराई है, तो उसकी जो पकड़ है या एंकरेज है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर वहां पे होनी चाहिए, कहाँ पे, जहाँ पे वो सपोर्ट होता है, ऐसा होता है ना, जैसे आपकी यहाँ पे दीवार है, दीवार पे क्या किया आपने, यहाँ पे स्लैब ऐसे डाल दिया, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्टील बार होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक स्टील बार डाल दोगे, तो उससे क्या होगा कि जो फोर्स आएगा हमारा यहाँ पे इस वाले एरिया पे जो फोर्स होगा वो यहाँ से आसानी से इसको फेल कर देगा। तो जो ये लेंथ होती है हमारी, मतलब दीवार के अंदर जो सरिया जाता है या स्टील बार जो जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंकरेज लेंथ बोलते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो लोड है वो सिर्फ बीच में ना आए, दीवारों के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, एक आरसीसी स्ट्रक्चर हमारी कौन कौन सी हो सकती है, तो फॉलोइंग आर द सम मेन स्ट्रक्चर ऑफ आरसीसी, आरसीसी की हमारी आपने बहुत सारी स्ट्रक्चर देखी होगी, आपने बनती हुई आरसीसी की, तो
तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमारी हो सकती है, बहुत सारी आपको पता भी होगा पहले से ही। तो सबसे पहला आता है आपका बीम्स। बीम्स हमारे किसके बनते हैं, आरसीसी के बनते हैं। आरसीसी मतलब उसके अंदर हमारा क्या होता है, सरिया या फिर स्टील बार्स वहां पे होती है। तो बीम्स भी दो टाइप के होते हैं हमारे, सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स का मतलब क्या है, मान लिया आपका बीम है, तो बीम के अंदर क्या क्या, सिर्फ आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है, जो स्टील बार प्रोवाइड कराई है, वो कहाँ पे की, सिर्फ बॉटम में आपने प्रोवाइड कराई है, नीचे एक ही साइड में प्रोवाइड कराई, तो ये कौन सा होगा आपका, सिंगली रेनफोर्स बीम हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, नीचे की तरफ भी स्टील बार प्रोवाइड कराई और साथ में ऊपर भी स्टील बार यहाँ पे प्रोवाइड कराई, तो ये कौन सा हो जाएगा, डबली रेनफोर्स बीम। ठीक है, एक साइड है तो सिंगली रेनफोर्स, दो साइड है तो डबली रेनफोर्स। नेक्स्ट आता है आपका कॉलम। कॉलम क्या होता है, कॉलम हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं वर्टिकल मेंबर होता है किसी हमारी बिल्डिंग का या स्ट्रक्चर का। आपने बिल्डिंग बनाई तो उसके अंदर क्या किया, लोड को जो वर्टिकली हमारा जो वर्टिकल मेंबर होता है जिस पे लोड आता है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। जो ओरिजोनटल होता है उसको क्या बोलते हैं, बीम, है ना। ओरिजोनटल वाला जो होगा वो बीम होगा, और वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाता है। नेक्स्ट हो जाती है आपकी रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर प्रतिधारक दीवार। ठीक है, प्रतिधारक दीवार। रिटेनिंग वॉल क्या होती है, आपने रिटेनिंग वॉल कहाँ पे देखी होगी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि मिट्टी जहाँ पे हम फिल करते हैं, मान लिया कोई प्लॉट है उसके अंदर हमें क्या करनी है, मिट्टी फिल करके उसका लेवल है जो ऊपर करना है ना, लेवल बढ़ाना है उसका। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सब जो दीवार बनाएंगे यहाँ पे वो क्या करेगी, दीवार के साइड में, मान लिया साइड में भी, साइड में अपने क्या क्या दीवार यहाँ पे बना दी, तो ये क्या करेगी, इसके अंदर मिट्टी हमने फिल कर दी, मिट्टी क्या करेगी इसके बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, और ये दीवार क्या करेगी इसको मिट्टी पे अंदर की तरफ फोर्स लगाती है। तो ये क्या है, हमारी रिटेनिंग वॉल है, मतलब जो किसी चीज को रोक के रखती है। जैसे आपने देखा होगा डैम, बांध जो होते हैं, बांध क्या करते हैं, पानी को रोक के रखता है पीछे एक साइड में, तो वो क्या है हमारा, एक रिटेनिंग वॉल है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पानी को पीछे की तरफ रोक के रख रहा है। इसी तरह जो मिट्टी, मान लिया मिट्टी हमने पीछे डाल दी, तो मिट्टी को रोक के रखी हुई है ना जो दीवार, उसे वो क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल सिविल बिट्स को सब्सक्राइब कर ले। तो आपका जो चैप्टर था, ये लास्ट टॉपिक था, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपका जो सिलेबस था वो अभी यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू।